हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। अगर आप सोच रहे हैं कि पैटर्न्स को प्रिंट करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम पैटर्न्स को किस तरीके से लिखते हैं ये देखते हैं। जैसे ये एक पैटर्न है, दूसरा पैटर्न आप ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 इवन नंबर्स के पैटर्न हो गए, सम संख्याओं के, विषम संख्याओं का 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से। और यदि आप स्क्वायर प्रिंट करना चाहते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक तरीके का पैटर्न होता है जिसमें एक ही सीरीज चल रही है, एक लाइन में चल रही है। तो ऐसे प्रकार के पैटर्न के लिए आपको जो लूप इस्तेमाल होगा वो होगा सिंगल लूप। और जब आप बात करेंगे डबल पैटर्न की एक साथ, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने थंबनेल भी ऐसा ही बनाया कि यदि आपको इस प्रकार का पैटर्न प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो ऐसे प्रकार के पैटर्न प्रिंट करने के लिए आपको कभी कभी डबल और कभी कभी बेस्ड ऑन आपका कॉम्प्लिकेशन कितना ज़्यादा है उसके हिसाब से कभी कभी हमें फंक्शन का भी प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि आगे इस सीरीज़ में ये पहला भाग है, आगे की सीरीज़ में हम ये भी सीखेंगे कि जैसे आपको पास्कल ट्रायंगल प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें एक फंक्शन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं कि आखिर 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक हम कैसे प्रिंट करते हैं। तो इसके लिए आपको हेडर फाइल के बाद हैश इंक्लूड stdio.h के बाद आपको लेना है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद में आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लीजिए, लूपिंग वेरिएबल i, और यहाँ पे इसे कोई इनिशियल वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे केवल बता दीजिए कि i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, i लेस देन इक्वल टू कितना होगा, और i को आपको प्लस इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिक। तो यहाँ पे प्रिंट एफ आपको जो भी i की वैल्यू है वो प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड d कॉमा परसेंट i। तो जब आप इसे कंपाइल और रन करेंगे तो सबसे पहले इसे सेव कर लेते हैं। इसे सेव करते हैं हम pattern1.c और इसे रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की गिनती प्रिंट हो गई। तो अब यदि आप यहाँ पे एक माइनर चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए स्पेस दे रहा हूँ, स्पेस देने से क्या होगा, पहले से सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो देखिए सभी नंबर्स के बाद में एक स्पेस आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ वो देखिए, यदि मैं इस मॉड डी की जगह पर इस पूरी की पूरी लाइन को हटा के यहाँ पर लगा देता हूँ ए फॉर एप्पल, तो क्या होने वाला है आप बताइए। ये क्या करेगा, 10 बार ए प्रिंट कर देगा, और यदि आप क्या कर देंगे यहाँ पे स्टार लगा देंगे तो ये 10 बार क्या प्रिंट कर देगा, स्टार प्रिंट कर देगा। तो ये इतना ही आसान है, स्टार को प्रिंट करना, वैल्यू को प्रिंट करना, या कोई भी कैरेक्टर, आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं, चाहे तो हैश साइन दे सकते हैं, ये हैश को प्रिंट कर देगा। और आप यदि आगे या पीछे स्पेस लगा देंगे तो प्रत्येक बार वो स्पेस प्रिंट होगा क्योंकि लूप के हिसाब से चल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि आपको फॉर लूपिंग का कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपको ये प्रोग्रामिंग बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पीछे के चैनल्स, मतलब पीछे के कुछ वीडियोस में मैंने फॉर लूप का एक्सप्लेनेशन किया था, आप फॉर लूप को एक बार अच्छे से समझ लें और नेस्टेड फॉर लूप भी एक बार अच्छे से पढ़ लें कि नेस्टेड और फॉर लूप क्या होता है, तो आपको ये प्रोग्रामिंग करने में बड़ी आसानी होने वाली है, अन्यथा आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी समझने में। तो ये हो गया एक छोटा सा लॉजिक कि आखिर ये जो फॉर लूप का पैटर्न है वो हमें प्रिंटिंग में किस प्रकार से सहायता करता है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लूप की वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पे 5 लगा देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं परसेंट डी और आई। अब हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम रखते हैं जे, और हम एक और लूप लगाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर जे इक्वल टू 1, और जे इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 5 एंड j++। अब हम इस जे लूप के अंदर क्या करने वाले हैं वो देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट एफ करते हैं परसेंट डी कॉमा j की वैल्यू, और ये जो लाइन है i वाला ये i का लूप है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये फॉर लूप i का है और ये फॉर लूप j का है। जब आपको केवल एक लाइन लिखनी होती तो सेमी यहाँ पे आपको ब्लॉक वाले ब्रैकेट्स लगाने की, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन चेंज कर देते हैं। ये हो गया हमारा लाइन चेंज। तो अब क्या होगा, जे का जो लूप है वो 5 बार चलेगा, हर बार
जब भी आई की वैल्यू 1 होगी तो ये 5 बार चलेगा, फिर जे की वैल्यू 2 होगी तो ये 5 बार चलेगा, इसी प्रकार से ये 5 5 बार 5 बार चलेगा। मतलब ये आपका जो पूरा एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो 25 बार होने वाला है और 25 बार जे की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। तो जे की वैल्यू प्रत्येक बार 1 से लेकर 5 तक होगी, तो यहाँ पे एक बार 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, और ये कितनी बार होगा, पूरी 5 बार होगा। मतलब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो यहाँ पर हमने स्लैश एन लिखा है और यहाँ पर हमने जे की वैल्यू प्रिंट कराई है। तो अब यहाँ पर इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो यदि आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो जो आई का स्लैश एन है वो काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये प्रिंट, ये जो प्रिंट है एक्चुअली क्या है, उसको रीड ही नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखना ज़्यादा सही समझा। तो अब आप क्या करिए, इसे फिर से कंपाइल करिए और रन करिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 के बाद में जब जे की वैल्यू 5 बार प्रिंट हो जाती है तो लाइन चेंज होता है, फिर जे की वैल्यू 5 बार प्रिंट होती है, जे की वैल्यू प्रिंट होती है। इस प्रकार से ये प्रोग्राम आपका काम करता है। तो बहुत ही माइनर चेंजेस करने पर आपको यहाँ पर आउटपुट जो है वो अलग अलग मिलेगा। जैसे देखिए आप यहाँ पर जे की वैल्यू की जगह अगर स्टार प्रिंट कर दें तो आप स्टार को डबल कोट्स में देंगे, इसे सेव करेंगे और रन करेंगे। रन करने के बाद आप इसे कंपाइल करिए और रन करिए, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, स्टार आ गया। तो पहले हमने यहाँ पे मॉन्टी और जे दिया था तो जे की वैल्यू प्रिंट हुई, हमने यहाँ पे स्टार लिख दिया तो यहाँ पे स्टार इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर पहला पैटर्न जो है आज के टारगेट का वो मिल गया, जो कि ये रहा। तो ये सबसे आसान पैटर्न है जिसे आप नेस्टेड लूपिंग की सहायता से प्रिंट कर सकते हैं। अब आपको दूसरा चेंजेस इसमें ये करना है कि आप यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे 5 है, इसको हम 5 रहने देते हैं, क्योंकि ये जो आई की वैल्यू है ये आपके 5 कॉलम्स, यहाँ पे 5 रोज़ दे रही है। रोज़ का मतलब है यहाँ पर ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो हमें 5 रो ही चाहिए, लेकिन हमको क्या चाहिए, एक बार 1 स्टार चाहिए, दूसरी बार 2 स्टार चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार 1 स्टार, दो बार 2 स्टार, तीन बार 3 स्टार लाने के लिए आप यहाँ पे आए जे की वैल्यू तो 1 करेंगे, लेकिन एक बार स्टार प्रिंट होने के बाद ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है, तो देखिए आप यहाँ पर लगा देंगे यदि आई, तो देखिए जब आई की वैल्यू 1 है तो ये अंदर आता है और आई की वैल्यू, मतलब जे की वैल्यू 1 से लेके आई की वैल्यू तक चलेगा ये लूप, मतलब ये एक बार चलेगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 होगी तो ये जे की वैल्यू 1 है और ये आई की वैल्यू 2 है, तो ये लूप 2 बार चलेगा, तो 2 बार आपका प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार 3 बार 4 बार और 5 बार। तो देखिए कंपाइल करके आपको ये वाला टारगेट पैटर्न भी मिल गया, मतलब ये वाला पैटर्न भी आपके सामने इस प्रकार से रहा। अब आपको तीसरा पैटर्न चाहिए, कौन सा वाला, कि यहाँ पर हम 5 कर देते हैं या यहाँ पे भी हम छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते। अब हमको क्या करना है, तीसरा पैटर्न चाहिए जो कि है ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, हमको पहली बार में ही 5 पैटर्न चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बार में 5 चाहिए, दूसरी बार में 4 चाहिए, तीसरी बार में 3, फिर तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहली बार में 5 बार चलना चाहिए। तो आप यहाँ पर तो 5 ही लिखेंगे, क्योंकि ये 1 से लेके क्या होगा, आपको यहाँ पर 1 से चलाना है। मतलब जब ये आई की वैल्यू 1 है तो 5 बार प्रिंट होगा, जब आई की वैल्यू 2 है तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, 2 से स्टार्ट होगा तो 2 3 4 5, मतलब 4 बार हुआ। फिर जब 3 से स्टार्ट होगा तो 3 4 5 से स्टार्ट होगा, और जब आई की वैल्यू 4 है तो 4 5 होगा, और जब आई की वैल्यू 5 है तो केवल 1 बार। तो इस प्रकार से आप यदि यहाँ पर जे की वैल्यू को क्या कर दें, आई कर दें, तो आपका ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कंपाइल करके तो ये आपका पैटर्न आ गया जो आपको डिज़ायर पैटर्न था। ये एक्चुअली मेरा अलाइनमेंट इसका दूसरा है और इसका अलाइनमेंट दूसरा है, बट जो आपका टारगेट पैटर्न है वो इस प्रकार से आप ला सकते हैं। तो ये था आपका पैटर्न प्रोग्रामिंग के 1 2 और 3, इस तरीके से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेसिक्स मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के प्रोग्राम्स को आप कैसे बना सकते हैं। और ये वाला जो पैटर्न है इसे मैंने अपने नेस्टेड लूप वाले लेक्चर में कवर किया है कि आप इस तरीके का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार के पैटर्न को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, तो आपका एक बार रिविज़न भी हो जाएगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो एक बार लाइक बटन दबाइए, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लूप में हम पास्कल ट्रायंगल को बनाने के और आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।